जारी है शाहरुख खान की फिल्मों को लेकर अफवाहें। परेशान होकर किंग खान ने किया ये ट्वीट। बॉलीवुड के किंग खान पिछले लंबे वक्त से बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए हैं, ऐसे में उनके फैंस उन्हें देखने के लिए बेताब होते जा रहे हैं। इस बीच अगर शाहरुख की फिल्म की कोई भी खबर सामने आती है तो वो तेजी से वायरल हो जाती है। हाल ही में खबर आई थी कि शाहरुख खान डायरेक्टर कबीर खान के साथ फिल्म करने जा रहे हैं। इस खबर को लेकर खुद शाहरुख खान ने एक ट्वीट किया है। दरअसल हाल ही में एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। इस खबर में बताया जा रहा था कि शाहरुख खान एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म को अली अब्बास जफर निर्देशित करेंगे। ऐसी खबरों से परेशान होकर शाहरुख खान ने एक ट्वीट किया है। हालांकि शाहरुख का ट्वीट काफी मजेदार अंदाज में है। शाहरुख ने ट्वीट करते हुए लिखा, यह जानकर काफी खुशी होती है कि मेरी अनुपस्थिति में और मेरे पीठ पीछे मैंने अचानक से कई सारी फिल्में साइन कर ली हैं, जिनके बारे में खुद मुझे कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, मैं जब भी कोई फिल्म करूंगा तब मैं खुद कहूंगा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूं। इसके अलावा जो भी खबरें सामने आ रही हैं वो सब अफवाहें हैं। बता दें कि हाल ही में एक और खबर सामने आई थी कि शाहरुख खान रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन स्टारर ब्रह्मास्त्र में कैमियो करते नजर आ सकते हैं। इस फिल्म का निर्देशन नयान मुखर्जी कर रहे हैं। हालांकि अब इस कैमियो वाली खबर में कितनी सच्चाई है इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं, क्योंकि इसकी भी अभी तक शाहरुख या ब्रह्मास्त्र की टीम की ओर से पुष्टि नहीं हुई है। वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान की आखिरी फिल्म जीरो 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी। फिल्म में शाहरुख के साथ कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी नजर आई थीं। फिल्म में शाहरुख ने एक बौने का किरदार निभाया था। इस फिल्म से शाहरुख को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई।